नमस्कार सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में क्या अपडेट निकल कर आया है, तो उस अपडेट को जानने के लिए आप सभी ईपीएस 95 पेंशन धारक इंतजार कर रहे थे, तो इसके लिए अभी मैं आपको इस वीडियो में सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर क्या अपडेट आया है तो उसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ, क्योंकि आप सभी इंतजार कर रहे होंगे, इसका मुझे ज्ञान था। तो इसके लिए मैं जो भी जानकारी हमें प्राप्त हुई है तो उसके बारे में अभी हम आपको जानकारी देने वाले। फिलहाल इस बैठक के बारे में जो विस्तार से जानकारी है तो उसको भी हम एक अलग वीडियो में शेयर करेंगे, क्योंकि पूरी जानकारी के लिए लंबा वीडियो बन सकता है। और यहाँ पर अभी ईपीएस 95 पेंशन धारक इंतजार कर रहे होंगे कि उनका जो ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा है वो सीबीटी की बैठक में उठाया गया है या नहीं उठाया गया है, इसके बारे में क्या अपडेट है, क्या पेंशन में बढ़ोतरी की घोषणा हुई है, क्या पेंशन बढ़ोतरी के मुद्दे के ऊपर चर्चा हुई है, तो ऐसे सारे सवाल जो है वो आपके मन में उठ रहे होंगे। तो उन सवालों के ऊपर हमें जो जानकारी अभी मिली है तो उसके बारे में अभी मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ, तो वीडियो के साथ जरूर बने रहिए। वीडियो में जो जानकारी आपको मिलने वाली है तो वो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी का जो मुद्दा है वो सीबीटी की बैठक में उठाया गया था या नहीं उठाया गया था तो उसके बारे में है, तो वीडियो के साथ जरूर बने रहिएगा ताकि इस अपडेट के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल सके। और अगले आने वाले अपडेट को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा, उसके बाद एक बेल का बटन आएगा तो उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा। तो जी, जैसे कि सभी ईपीएस 95 पेंशन धारक इंतजार कर रहे हैं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी का जो मुद्दा है वो सीबीटी की बैठक में उठाया गया है या नहीं उठाया गया है, तो जी अभी के इस वीडियो में जो जानकारी है तो वो आपके लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा है वो सीबीटी की बैठक में जो है वो नहीं उठाया गया है, जिसकी वजह से अभी पेंशन धारकों की जो पेंशन बढ़ोतरी है तो वो कब होगी, तो इसकी वजह से उनका इंतजार जो है वो अब बढ़ गया है। फिलहाल सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में ईपीएस 95 पेंशन योजना के संदर्भ में कुछ कुछ मुद्दों पर जो है वो चर्चा की गई थी, पर यह मुद्दा जो है वो कुछ अलग थे, पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा जो है वो अलग है। ऐसे में यहाँ पर जो पेंशन बढ़ोतरी की घोषणा की उम्मीद की जा रही थी तो उसका यहाँ पर जो है वो अपडेट है कि कोई भी घोषणा जो है वो नहीं हुई है, इसके ऊपर कोई भी फैसला जो है वो नहीं आया है, जिसकी वजह से ईपीएस 95 पेंशन धारकों का जो इंतजार है तो वो और बढ़ गया है। अभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को और इंतजार करना पड़ेगा और एक बड़ा संघर्ष भी करना पड़ेगा ताकि सरकार के कानों तक जो है वो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो डिमांड है वो पहुंच सके और सरकार द्वारा इसके ऊपर जो है वो जल्द से जल्द फैसला लिया जा सके। तो वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए अच्छी नहीं है, पर क्या करें, जो भी अपडेट है तो वो हमें जो है वो आपको बताना पड़ता है, क्योंकि आप जो है वो इंतजार करते हैं हमारे वीडियो का, क्योंकि उस वीडियो में जो जानकारी आपके लिए रहती है लेटेस्ट अपडेट रहता है तो उसके आधार पर ही रहती है। तो इसके लिए मैं आपको ये जो सीबीटी की बैठक थी तो उसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी का जो मुद्दा है तो उसके ऊपर क्या अपडेट आया है तो उसके बारे में मैंने अभी आपको जानकारी दी है। फिलहाल अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। सीबीटी की बैठक में कौन कौन से मुद्दों पर चर्चा की गई है तो उसके बारे में मैं एक विस्तार से वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें पूरा डिटेल में बताऊंगा कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में कौन कौन से मुद्दों पर चर्चा की गई, इन्वेस्टमेंट को लेकर क्या चर्चा की गई, पीएफ ब्याज के संबंध में क्या चर्चा हुई, क्या इससे संबंधित अपडेट है और ईपीएस 95 पेंशन से संबंधित क्या अपडेट है। तो बस अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे भी जो अपडेट आएंगे तो उनको जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा ताकि जो आने वाले अपडेट है तो उनके बारे में आपको समय समय पर जानकारी मिल सके। तो चलिए मिलते हैं ऐसी एक और नई और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।